उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे कि आज की वीडियो में क्या हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा एंड्रॉयड टीवी है, स्मार्ट टीवी जो कि पुराने वर्जन का है, जो कि ओल्ड एंड्रॉयड टीवी है, उसके ऊपर यूट्यूब नहीं चलता है। यूट्यूब जो गूगल की तरफ से आया होता है वो पुराने वर्जन होने की वजह से जो पुरानी टीवी है उन पर नहीं चलता। जिन टीवियों में पुराना वर्जन एंड्रॉयड वर्जन खासतौर पर 4.4.4 है उनके उन पर यूट्यूब नहीं चलता। आज की इस वीडियो में हम आपको पुराने टीवी पर यूट्यूब चलाकर दिखाएंगे। तो चलते हैं क्या हम अपने टीवी पर। जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। जब हम लोग आ गए अपने टीवी पर, इस टीवी पर ये मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या आ रही होती है। देखें ये हमारे टीवी में ये यूट्यूब है सिंपल, जो गूगल की तरफ से यूट्यूब टीवी आता है। तो उसके अंदर देखें दिस एक्शन इज नॉट अलाउड, ये एरर आ रहा होता है। तो इस एरर का आज हम लोग हल करेंगे। तो आपने सिंपली बैक चले जाना है यहाँ से। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस एलसीडी का जो वर्जन है ना एंड्रॉयड वर्जन वो बहुत ज़्यादा पुराना है। ये देखें 4.4.4 वर्जन की जो खास तौर पर एलसीडी है ना वो उनमें से कोई भी नहीं, जो लेटेस्ट वर्जन का गूगल की तरफ से आने वाला यूट्यूब वो कोई भी सपोर्ट नहीं करती। तो आज हम इसके ऊपर चलाएंगे। ये देखें सिंपली एलसीडी का बटन दबाकर पीछे आ जाना है और उसके बाद आपने रिमोट से यूएसबी का बटन होगा वो आपने प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे यूएसबी के अंदर आ जाएंगे। यूएसबी के अंदर मैंने सॉफ्टवेयर किया हुआ, जो सॉफ्टवेयर मैंने किया उस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने वहाँ से वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उस सॉफ्टवेयर को अपनी यूएसबी के अंदर कर लेना है। और ये देखिए जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर एक पड़ा होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए स्मार्ट टीवी, ये आपकी 9 से 10 MB की फाइल होगी। आप अपने इसको सेम टू सेम डाउनलोड करके वैसे ही यूएसबी में कॉपरेट कर लेना है। यहाँ पे आके आपने इसको ओपन करना है, ओपन करके यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल करना है। स्मार्ट यूट्यूब टीवी है, ये बहुत अच्छा चलता है। जो पुराने वर्जन है क्योंकि जो यूट्यूब गूगल की तरफ से हम क्या आने वाला है वो फिर सपोर्ट नहीं करता क्योंकि ये वर्जन पुराना है। और यूट्यूब नए जो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है 9.0 8.0 उन पर ज़्यादा रन करता है। मैं इंस्टॉल हो गया, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन हो रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि आपने कैड वगैरह फिल्टर करनी है या नहीं। तो हम यस कर देते हैं कि मतलब कैड नहीं आएगी। ठीक है, मैंने फिलहाल नहीं कर दिया क्योंकि यस पे फिलहाल वो वर्क नहीं कर रहा। तकरीबन आई थिंक डेट वगैरह कुछ होगा। ये देखें ये आ गया। तो यहाँ से हाँ हम इसको साइन इन भी कर सकते हैं। साइन इन करने का तरीका मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम स्किप करके यहाँ से एंटर कर देते हैं। स्किप कर दिया। ये देखिए यहाँ से हम कुछ प्ले करके देखते हैं। क्वालिटी भी दिखा देते हैं इसकी। देखिए आप यहाँ से क्वालिटी सेट कर सकते हैं, एक क्वालिटी में वीडियो जाए हमारे पास डिफरेंट आ गए हैं। तो यहाँ से 1920x1080p चल रही है। ठीक है, हम इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। देखिए ये डिफरेंट है, 30fps तक चल रही है, ये 60fps पर ये रन करेगा। देखें ये जो यूट्यूब है ये 4K भी सपोर्ट करता है, अगर आपकी LCD 4K सपोर्ट करती हो। अब हम कोई वीडियो चला के देखते हैं। वीडियो
बिल्कुल देखें, मेरे सारे यूट्यूब बिल्कुल डिवेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो उनको लाइक करें, उनको नीचे कमेंट्स में बताएं कि अगर आपके साथ ये सब कुछ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, तो मैं आपका मसला जरूर हल करूंगा। तो अगर आपने एंड्रॉयड टीवी के मतलब कोई और मसला हो तो वो भी आप मुझे बताएं। और जो वीडियो अकाउंट साइन इन के बारे में उसका लिंक मैं ऊपर कार्ड में दे दूंगा, तो वहां से जाके क्या अपना अकाउंट आपने जो एंड्रॉयड टीवी के यूट्यूब है उसके अंदर आपने किस तरह साइन इन करना उसका तरीका मैंने उस वीडियो के अंदर बताया। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।